अगर बच्चे ने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया और इसको प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर मुझे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अपनी किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से उसके ऊपर काम करना चाहिए कि मैं फिर अपनी क्लास को मजीद बेहतर कर सकूं और बच्चे को जो रिक्वायर्ड जो उसके डोमेन्स हैं, जो उसको नॉलेज और स्किल इनके रिक्वायर्ड है, वो बच्चे को हासिल हो सके। तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब ये लर्निंग के लिए असेसमेंट है कि मजीद जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए हम किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से मैं अपनी टीचिंग फिलोसफी को, अपने टीचिंग मेथड्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें इन दोनों चीजों को कंसिडर करना पड़ता है कि बच्चा किस लेवल पर है, उसकी प्रायर नॉलेज कितनी है और उसको फिर किस तरह से मुझे लेकर आगे चलना है। दूसरी जो एक टाइप है असेसमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मींस टू सम आउट ऑल द थिंग्स। अब इसको आप स्पेलिंग में देख सकते हैं, SUMMATIVE मींस सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देना। अगर समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो हम हमेशा साल के आखिर में, अक्सर साल के आखिर में, सेमेस्टर के आखिर में हम जो असेसमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर समेटिव असेसमेंट। मतलब आपके जो फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं वो आपके समेटिव असेसमेंट होने जा रहे हैं। लाइक टेक एन एग्जांपल, इन माय कॉलेज देयर आर फ्रॉम टुमारो देयर एग्जामिनेशन, आई मीन फाइनल एग्जामिनेशन आर गोइंग टू बी स्टार्टेड, तो वो आपके इनके समेटिव एग्जामिनेशंस होंगे, समेटिव पेपर्स होंगे। इसमें क्या होता है कि हम किसी एक चैप्टर की बात नहीं करते समेटिव असेसमेंट, आप किसी एक सब्जेक्ट, मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अगर 5 यूनिट्स हैं या 10 यूनिट्स हैं तो वो सारे के सारे यूनिट इसमें कवर होते हैं। उसमें पूरा जो सेमेस्टर का जो पूरा एक सेशन होता है उसका पूरे का काम उसमें कवर होता है, इसके सारे आपके आईएलओस, सारी मेथड्स और वो इसमें हम चेक करते हैं। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा होता है यूजुअली कि किसी एक टॉपिक या किसी एक चैप्टर के बारे में सवाल होते हैं, उसके हटके फिर हम किसी चीज को नहीं पूछते। मतलब अगर आज अगर बच्चों ने नाउन पढ़ा है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चों से नाउन के बारे में ही पूछेंगे, रादर देन वी आस्क देम फॉर प्रोनाउन, क्योंकि आज की जो उनकी लर्निंग है वो नाउन के बारे में ही हुई है। ओके, आई गेस कि ये दोनों फॉर्म्स जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इफ यस देन राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स। ओके, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अब जैसे वर्ड डायग्नोस्टिक से हमें अंदाजा होता है कि हम अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कुछ डायग्नोसिस करते हैं ना, कुछ चीजों को देखते हैं। मतलब डायग्नोस करना, किसी चीज को फाइंड आउट करना, उसका खोज लगाना, उसको डिग आउट करना किसी चीज को। ओके, अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डायरेक्ट ये नहीं बताते कि सर मुझे टीबी हो गई है, हम ये कहते हैं कि सर इतने दिन से खांसी हो रही है, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर डॉक्टर उसको रिपोर्ट्स के थ्रू डायग्नोस करता है कि यस दिस इज द इश्यू, कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, राइट। अब इसी तरीके से जब बच्चा होता है, अगर उसको लर्निंग डेवलप नहीं हो पा रही, वो किसी चीज को नहीं समझ रहा, उसका एटीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा, उसके साथ उसके करेक्टर के डिफरेंट चीजों के कुछ इश्यूज हैं, तो अब टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन इश्यूज को फाइंड आउट करे, वो उनको डायग्नोज करे, वो ही शुड बी द डॉक्टर ऑफ द स्टूडेंट। मतलब क्योंकि आपको एक टीचर को एक जो ना एक फिलोसोफर होना चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट भी होना चाहिए, तो बच्चे की नफ्सियात को बहुत अच्छे से उसको समझने की जरूरत पड़ेगी कि बच्चा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ही इज नॉट गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज, व्हाट इज द रीजन कि उस बच्चे की जो बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है, वो ऐसा क्यों होता जा रहा है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी तारे जमी पे, आपने अक्सर देखी होगी, तो वहां पर जो बच्चे के साथ एक थोड़ा सा इशू है कि उसको वो सारे अल्फाज उल्टे या डांसिंग लेटर्स नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से टीचर उस पर काम कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ मीन अ रियल प्रैक्टिसिंग एग्जाम्पल ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास असेसमेंट की। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इट्स बेसिक काइंड ऑफ थ्रू द ईयर होगी है, नहीं बेटा डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपकी पूरे थ्रू आउट द ईयर नहीं होती, थ्रू आउट द ईयर आपकी जो असेसमेंट होती है वो फॉर्मेटिव होती है और आखिर साल के आखिर में आपके पास होती है समेटिव। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम अक्सर लेते हैं जब हम साल स्टार्ट करते हैं। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं आपके, तो उसमें हम डायग्नोज करते हैं कि कौन सा बच्चा इस सब्जेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल है, या उसको आना चाहिए, या वो जा सकता है, और कौन सा बच्चा नहीं जा सकता, तो हम उसको बाहर कर देते हैं या हम उसको एडमिशन नहीं देते। सो ये जो आपके एडमिशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो द काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा जब आप नया सेशन स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बच्चे क्लास 2 से ग्रेड 3 में आ गए, अब आप जब फर्स्ट डे को फिर आप बच्चों को डायग्नोज कोशिश करते हैं कि किस बच्चे की किस सब्जेक्ट में कितनी लर्निंग डेवलप हुई है, तो फिर हम इसको देखते हैं। ओके, प्लेसमेंट असेसमेंट डिस्क्राइब
यस बेटा, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब आई मीन प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट असेसमेंट, लेकिन द मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट इज आर दीज थ्री काइंड्स, आई मीन डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट. एक इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम बात करेंगे समेटिव आई मीन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन की. कि असेसमेंट जिस तरह से हमने बात की कि असेसमेंट में हम कोई ग्रेड्स वगैरह यूजुअली असाइन नहीं करते, मतलब अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है तो हम बच्चे को पास या फेल नहीं करते हैं, हम उसमें सिर्फ उसकी करेक्शन करते हैं, हम उसकी तस्सीह करवाते हैं. लेकिन इवेल्यूएशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि वी गिव वैल्यू टू द असेसमेंट. जब हम बच्चे को पास फेल करते हैं, जब हम उसको ग्रेड असाइन करते हैं, जब हम बच्चे को परसेंटेज देते हैं, then assessment become an evaluation. So assessment is act of gauging the quality, value and importance exactly. कि हम बच्चे की जो quality है उसको हम gauge करते हैं, उसके values को या फिर उसकी importance को. As against evaluation focuses on making a judgment about the values in terms of numbers, in terms of performance and something else. कि यार किस बच्चे ने first position हासिल की, किस बच्चे ने second position हासिल की, किस बच्चे ने third position हासिल की. तो जब हम इन चीजों पर आते हैं तो फिर हम असेसमेंट की तरफ चले जाते हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्योरली असेसमेंट. लेकिन अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करेंगे तो समेटिव असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हम बच्चों को ग्रेड्स और परसेंटेजेस और फिर मार्क्स हम असाइन करते हैं. असेसमेंट इज मेड टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एग्जैक्टली, कि हम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं कि किस तरह से कितना बच्चा जो है इम्प्रूव कर रहा है. सो अगेन इसके बाद वी हैव टू कवर समथिंग मोर. देयर इज समथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन के सिलेबस वर्सेस करिकुलम. सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं. एक को हम कहते हैं सिलेबस, दूसरे को हम कहते हैं करिकुलम, और उसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक. तो देयर इज सम क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम. इफ समबडी नोज देन जस्ट राइट डाउन इन अ लाइंस, इन अ सिंगल लाइन, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. I'm giving you a couple of minutes. Hurry up. Okay, right, Bida. So I'm getting some responses. Jairam says curriculum is a set of all learning activities of a school, content of course, syllabus. Okay, right, Nadeem. But what about the curriculum? Still, it's not clear from your response. Something more, sir, please. Assessment and evaluation ka difference thoda sa dobara samjhaye. Okay, Madhu. Right, Bida. Surely I'll explain you here the difference between. जो असेसमेंट और एवेल्युएशन है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे चले गए. नो वरीज, हम पीछे जाते हैं दोबारा से और इस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा कि देखिए डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है थोड़ा सा असेसमेंट और एवेल्युएशन का. अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, मतलब असेसमेंट और एवेल्युएशन एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि हम असेसमेंट करते हैं बच्चे की लर्निंग लेवल को चेक करने के लिए, मतलब उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि अगर बच्चा क्या वो नाउन को डिफाइन कर सकता है. अब अगर वो नाउन को डिफाइन कर सकता है तो हमने असेस किया कि हाँ ही कैन डिफाइन समथिंग. अब उसकी हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख ली, उसके बाद फिर हम बच्चों को